इस वीडियो के अंदर दो तरीके की ग्रेनाइट डिजाइन देखने को मिलेंगी। जो मेन एंट्री डोर्स रहता है लिफ्ट का, जो डोर्स रहता है उसका डिजाइन देखने को मिलेगा और टाइल्स का भी डिजाइन देखने को मिलेगा। और साथ ही में ये देख सकते हैं पी वाइट ग्रेनाइट के टेबल टॉप बनाए रखा है, जो टेबल बना रखी है इसके अंदर बैठने के हिसाब से, और इसका पार्किंग का अंदर यूज़ किया हुआ है। ये ग्रेनाइट जो देख रहे हैं ये ग्रेनाइट वॉल में भी लगा रखी है और इसको टेबल में भी यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर डबल पीस में ये टॉप लगाया हुआ है, जो ऊपर का टॉप देख रहे हैं ये बैठने के हिसाब से बनाया हुआ है, जिसकी हाइट इसकी 1.5 फुट ली हुई है फ्लोरिंग से। अपने 18 से 20 इंच हाइट ले सकते हैं बैठने के हिसाब से अपन इसकी, और भी ज़्यादा हाइट ले सकते हैं अपने हिसाब से, वो हाइट का प्रॉब्लम। और चौड़ाई में इसको 1.25 फुट लिया हुआ है, 16-17 इंच का पत्थर है। और इसकी नीचे जो देख रहे हैं नीचे एक ब्लैक ग्रेनाइट का और पत्थर लिया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मजबूती मिल जाती। और सामने से इसको चैम्पर मार के और बाद में पॉलिश करके फिटिंग किया हुआ है इसको। और लंबाई में ये देख सकते हैं 7 फुट लंबा है, और ऐसी दो टेबल बना रखी है देख सकते हैं। ये मेन एंट्री के अंदर जो अपना पार्किंग एरिया है वहाँ पर बना रखा है। पी वाइट ग्रेनाइट है और एक स्टार ब्लैक जो ग्रेनाइट आता है उसका फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर नीचे। और फ्लोरिंग में भी ये दोनों ग्रेनाइट का ही यूज़ किया हुआ है, जिसका देख सकते हैं फ्लोरिंग के अंदर पी वाइट और स्टार ब्लैक। इसका नीचे का स्टैंड का भी एक डिजाइन का आईडी ले सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा राउंड करके और कटिंग करके फिटिंग किया हुआ है। राउंड का जो इसका नीचे का भाग है वो 1 फुट लिया हुआ है इसमें। और इसके अंदर अभी इसके अंदर लिफ्ट का देख सकते हैं, लिफ्ट का डिजाइन देख सकते हैं इसमें। वेस्टेज जो ग्रेनाइट है उसका भी एक 4-4 इंच का कटिंग करके टुकड़े फंसाए हुए हैं, और बीच में इसमें देख सकते हैं टाइल्स का टुकड़ा लिया हुआ है, जिसको चैम्बर मार के और बाद में फिटिंग किया हुआ है। गुरु दिख रहा है इसके अंदर देख सकते हैं। और कोने में इसमें स्टार ब्लैक जो ग्रेनाइट आती है उसका फिटिंग किया हुआ है, जिसको गुरु दिखाया हुआ है। 2 सूत का धार पुलिस करके फिटिंग किया हुआ टोटल। और ये लिफ्ट का दरवाज़ा है टोटल देख सकते हैं इसके अंदर। और इसके 2 दरवाजे हैं लिफ्ट के, जो दोनों का डिज़ाइन सेम लिया हुआ है इसके अंदर। और इसके अंदर फ्लोरिंग में पूरा पी वाइट ग्रेनाइट ही है टोटल देख सकते हैं। इसके अंदर 2-3 कलर का वेराइटी आता है पी वाइट ग्रेनाइट के अंदर। और पट्टी ले रखी है इसके अंदर, बीच में बॉर्डर पट्टी ले रखी है, इसका एक आइडिया ले सकते हैं। इसके अंदर फ्लोरिंग में भी वेस्टेज ऐसा ग्रेनाइट लगा सकते हैं अपन। वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो बहुत से आते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पे या फिर फेसबुक पेज पे भी आते रहते हैं। और गूगल मैप से इसकी अगर फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो भी ले सकते हैं। स्टेयर्स या किचन ऐसे बहुत सी वीडियो आते रहते हैं, जिसका एक आइडिया ले सकते हैं। और आप भी इसी तरीके से फिटिंग करवा सकते हैं ग्रेनाइट की या टाइल्स की। इसके अंदर टाइल जो फिटिंग की हुई है वो भी 4-4 इंच का ही कटिंग करके फिटिंग किया हुआ है, जो स्टेयर्स के अंदर देख सकते हैं। स्टेयर्स में भी इसमें पूरा वो राइजर का यूज़ कर सकते हैं, टाइल का जो 2x4 का टाइल्स आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनाइट की जगह अपन टाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा ही देख सकते हैं इसमें 4-4 इंच का टुकड़ा लगा रखा है। वेस्टेज जो टाइल्स आता है उसका फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर बीच में। और कोने में देख सकते हैं इसको पूरा 2 सूत का ग्रू मार के बाद में इसका फिटिंग किया हुआ है धार पुलिस करके। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।